भाइयों, आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आईडी देख तो अगर समझ सकते हो, आईडी देख के अगर जान सकते हो, मैं दिल्ली में वैनिटी वैन चलाता हूँ। शायद जो लोग जानते हैं पहचानते हैं वो तो समझ सकते हैं। इस टाइम मैं गांव में आया हुआ हूँ और क्या नाम है, गदर टू की शूटिंग करवाता था। अभी इस टाइम गदर टू की शूटिंग चल रही है अपने यहाँ लखनऊ साइड में, लखनऊ में चल रही है, और मैं वैनिटी वैन चलाता हूँ। हर एक्टर के साथ मैंने फ़ोटो करा लिया, फिल्म करवा लिया, मैंने काम किया, हर एक्टरों के साथ मैंने काम किया है। मेरा नाम मोनू सिंह चौहान है, मेरा गांव से बाहर आया हुआ हूँ। ये हमारे इधर खेत होते हैं, खेत साइड आया हुआ हूँ, ये सब जंगल है हमारा खेत इस टाइप इधर। सिर्फ मैं ये सोचता हूँ भाई, जो फर्जी आईडी बना के, जो फर्जी आईडी बनाते हैं वो लोग यूट्यूब पे डालते हैं वीडियो, वो लोग टूट जाते हैं। हम लोग आज हो गए 10 साल 12 साल हो गए, 10 12 साल रहने के बाद भी आज हमारे लोगों की ये हालत हो गई है, कोई पहचानता नहीं है। 10 12 साल रहने के बाद यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, कोई समझ नहीं पाता है। जो फर्जी हम लोगों की वीडियो चुरा के जो डाल देते हैं यूट्यूब पर, वो लोग उठ रहे हैं क्योंकि वो कैमरा की सफाई करके सब कुछ करके वो लोग ऐसा करते हैं, हम जैसे हैं वैसे डालते हैं। और मतलब हमारी वीडियो चुरा के चुराने वाले बंदे उठ जाते हैं, आते हैं, भाई हमारी फ़ोटो करा दो, अक्षय कुमार आया भाई हमारी अक्षय कुमार के साथ फ़ोटो करा दो, ऋतिक रोशन के साथ फ़ोटो करा दो, वो लोग उठ जाते हैं। लेकिन हम लोग परमानेंट उनके साथ रहते हैं, हमारी कोई वीडियो देखता नहीं है, ना लाइक करता है, ना सब्सक्राइब करता है। यार भाई 10 साल हो गए, बस सिर्फ यही देखते देखते कि देखो इंसान की खाली पहचान कपड़ों से होती है। हम लोग साथ रहते 24 घंटा, जिसके साथ रहता हूँ, अक्षय कुमार हमारे साथ रहता है, या ऋतिक रोशन आया, सलमान खान आया, है ना, कितनी मूवी मैंने करा लिया, किक फिल्म के करा लिया, बैंग बैंग के करा लिया, रानी मुखर्जी मर्दानी फिल्म की शूटिंग करा लिया, कितनी वेब सीरीज करवाया, यूट्यूब पर डालता भी हूँ, लोग देखते हैं, हमारी आईडी खोल के देखो एक बार, चेक करो। लेकिन 24 घंटा हम साथ में रहते हैं, रहने वाले रायबरेली के हैं, और हमारा गाँव कुलावा है, यानी गदागंज के पास में रहने वाला हूँ, चाहवारा अगर कोई जानता है तो, मतलब सब साथ के रहने वाले बंदे। लेकिन हम लोगों को कोई नहीं पहचानता। जो बंदे फर्जी का आईडी बनाते हैं, यूट्यूब से वीडियो निकालते हैं या किसी की आईडी की वीडियो निकाल के डाउनलोड करके डाल देते हैं, वो वीडियो उड़ जाती हैं क्योंकि कैमरा की सफाई कर देते हैं सब कुछ करके, वो वीडियो उड़ जाते हैं। थोड़ा ऊपर हेड राइटिंग बना देते हैं, कंप्यूटर से बना देते हैं, ऐसा है वैसा, वो वीडियो उड़ जाती है। जो परमानेंट रहता है साथ में, लाइव वीडियो हम चला देते हैं, लाइव वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन क्या यार, इंसानियत की खाली सिर्फ यही बात होती है कि जो फर्जी आईडी वाले उठते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, 24 घंटा साथ रहते हैं, हम लाइव दिखा सकते हैं, साथ में रह के खड़े होकर लाइव बात भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई कदर ही नहीं है। यही लिए सबसे उठ चुका है मन, वीडियो बनाने का मन ही ख़त्म हो गया भाई। अरे हमारी भी मदद करो भाई, 10 साल हो गए, थोड़ा तो ध्यान दो, बस सिर्फ ऐसे हमारी ज़िंदगी काटोगे भाई, जब तक सहयोग नहीं करोगे, मदद नहीं करोगे, वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं। कितने अच्छे अच्छे वीडियो डालता हूँ, जाके यूट्यूब में चेक करो, इंस्टाग्राम पे चेक करो, ध्यान ही नहीं देते भाई। ये हमारा गांव है, ये देखो हमारे पेड़ लगे हुए हैं लिपस्टिक के, अगर कोई जानता हो, गांव के हिसाब से देहाती में सफ़ेदा बोलते हैं, ये देखो ये लगे हुए हैं। गांव आया था, 2 दिन की छुट्टी है, मुझे लगा एक वीडियो बना के डालनी है यार, ज़रूरी है यार। थैंक यू भाई, सपोर्ट करना है तो करो, नहीं तो भाई इच्छा आपकी, मर्ज़ी आपकी।